नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंजूत्रा। मैं निर्मला यादव, मेरा हम हमसे मेरा फसल है अश्वितांत देशमुख है। मेरा भाई को अलग संबंध थे और माई से संबंध होते लग्न करते हो महाराष्ट्र में सोलापुर बीजेपी के जिलाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख ने वायरल वीडियो क्लिप के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल श्रीकांत देशमुख ने कुछ दिन पहले ही मुंबई में एक महिला के खिलाफ हनी ट्रैप का मामला दर्ज कराया था। उन्होंने शिकायत की थी कि महिला उनसे 2 करोड़ रुपए की मांग कर रही है और ब्लैकमेल कर रही है। शिकायत दर्ज कराने के बाद अब महिला और श्रीकांत देशमुख का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किसी कमरे में श्रीकांत देशमुख और महिला हैं। दोनों के बीच में बहस हो रही है। रोते हुए महिला देशमुख पर आरोप लगा रही है और हाथ दिखाकर उनकी ओर इशारा कर रही है। इस बीच देशमुख उस वीडियो को बंद कराने की कोशिश करते हैं। देशमुख की शिकायत के बाद हबाद महिला के खिलाफ जबरन वसूली और जानबूझकर अपमान करने को लेकर अम्बोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। वहीं आपको बता दें, सियासी तौर पर देखें तो श्रीकांत देशमुख का इस्तीफा सोलापुर में भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका माना जा सकता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के जय श्री देशवर आचार्य ने जीत दर्ज की थी। अब देशमुख को लेकर यह वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी की छवि को नुकसान पहुँच रहा है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।